इन 3 दिनों धरती पर बहुत मदद मिलती है। यह अपनी साधना को तीव्र बनाने की याद भी दिलाता है। हर दिन फायदा होता है, पर उन दिनों विशेष लाभ होता है, जो न केवल शारीरिक सेहत के लिए बल्कि आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी होता है। अभी अमेरिका में एक नई तरह के जूते बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, जिन्हें बेयरफुट यानी नंगे पांव कहा जाता है। ये जूते ऐसे होते हैं, पैरों की तरह बहुत पतले, एक विशेष सिंथेटिक सामग्री जो ऐसा महसूस कराती है कि आप नंगे पैर चल रहे हैं, एक मोटे तलवे की तरह महसूस नहीं होता, लगभग नंगे पांव जैसे। दौड़ने के जूते, चढ़ाई के जूते, पैदल चलने वाले जूते, हर तरह के नंगे पांव जूते। अच्छा है कि आपने अभी ये प्रश्न पूछा है। तो नंगे पैर का क्या महत्व है, खासकर वो लोग जिनका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, जिन्हें लगातार परेशानी रहती है, ऐसे लोगों को नंगे पैर चलना चाहिए। आप रेंगे तो अच्छा होगा, यानी संपर्क ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए लेट कर प्रणाम किया जाता है। आपके हिसाब से मंदिर के तालाब में डुबकी लगाकर फिर मंदिर में लेट कर प्रणाम क्यों किया जाता है? शरीर का हर हिस्सा धरती को छूता है, साष्टांग का यही मतलब है कि आपके शरीर के मुख्य बिंदु पृथ्वी के संपर्क में हो। जो कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा है, खासकर उन दिनों शिवरात्रि, अमावस्या और उसके अगले दिन, इन 3 दिनों धरती पर बहुत मदद मिलती है। यह अपनी साधना को तीव्र बनाने की याद भी दिलाता है कि उस दिन जो उपलब्ध है उसका इस्तेमाल हो। तो उस दिन नंगे पैर चलें। हर दिन फायदा होता है, पर उन दिनों विशेष लाभ होता है, जो न केवल शारीरिक सेहत के लिए बल्कि आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी होता है। इसके अलावा ऊपर की ओर गति करने के लिए सिस्टम में जरूरी ऊर्जा पैदा करना। You can't cut off your legs. आप अपनी टांगें नहीं काट सकते, तो उन 3 दिनों जूते ना पहनना अच्छा होगा।